बांका जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बाराहाट थाना पुलिस ने विशेष कार्यबल पटना के सूचना एवं पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्यप्रकाश के निर्देश पर वाहन चेकिंग के दौरान दो पिकअप वैन में 5 देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस के साथ 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति एक का नाम मोहम्मद आलम पिता मोहम्मद यूनुस का वर्धमान का है और दूसरे तस्कर मोहम्मद फयाज पिता मोहम्मद शहादत बाबू टोला वर्धमान का रहने वाला है। ये बातें SDPO बोची अर्चना कुमारी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि SDPO अर्चना ने बताया कि ये लोग मुंगेर से हथियार लेकर आसनसोल से ले जा रहे थे। छापेमारी दल में बाउंसी थाना के सुधीर कुमार, तकनीकी शाखा के ओम प्रकाश, पंचपारा थाना के मनीष कुमार एवं बाराहाट थाना के दीपक पासवान शामिल। क्या मसला है मैम? ये पूरा विशेष कार्यबल पटना से प्राप्त सूचना के आलोक में एवं अधीक्षक महोदय बांका के निर्देशानुसार आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वाहन चेकिंग किया जा रहा था और विशेष कार्यबल पटना के द्वारा सूचना दी गई थी कि दो वाहन से कुछ अपराध कर्मी हथियार के साथ मुंगेर से